आस्था में मस्त है, भगवान की धुन पर मस्त है, संगीत की ताल पर नासिक की पवित्र भूमि पर आज यह है शाही मार्ग, और इस शाही मार्ग पर निकली है साधु संतों की सवारी। इस सड़क पर आज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का अधिकार है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ध्वज हैं। इन तमाम ध्वज के बीच में महामंडलेश्वर जी विराजमान हैं, और यहीं से इनकी आस्था की डुबकी आगे चलने वाली है रामकुंड की ओर। रामकुंड ये वो जगह जहाँ हर कुंभ में स्नान करने के बाद अखाड़ा के साधु जो हैं अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। हजारों वर्ष जूनी परंपरा, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा। आइए हम बात करते हैं यहाँ के साधुओं से। कई सारे ध्वज हैं अखाड़े के, दिगंबर रानी अखाड़े के ध्वज है सारे, और दिगंबर रानी अखाड़े का साई राजा है, राजा निकल रहा है साई के लिए। तो आप यहाँ जब स्नान करेंगे, इसके आपके आध्यात्मिक महत्व क्या? भाई आध्यात्मिक महत्व है कि ये तो पाप पुण्य पर चल परंपरा चली आई हुई है, सदियों पुरानी बात है। उसमें सदियों पुराने से परंपरा में दिगंबर रानी अखाड़ा राजा शाही सवारी से निकला है, राजा शाही स्नान करेगा फिर अखाड़े में वापिस जाएगा। अध्यात्म का राजा चल पड़ा है सड़कों पर, और अब आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मैं मयूर परीख, एबीपी न्यूज नासिक।